सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज है मेरे पास उषा कंपनी की ये सिलेंडर किट, जिसको आप ब्लॉक किट भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस उषा कंपनी की सिलेंडर किट का रिव्यू करने वाला हूं और आज मैं आपको इसके अंदर रिंग फिटिंग भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आप इसकी ये ज़बरदस्त पैकिंग देख सकते हैं, जो काफ़ी तगड़ी पैकिंग इसके अंदर दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये उषा पिस्टन असेंबली किट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीरो स्लिक एसएस सीडी 100 स्प्लेंडर एचएफ डिलक्स पैशन, इन सब में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसकी यहाँ पर ये एमआरपी देख सकते हैं, यहाँ पर ये 1629 रुपये आप इसकी एमआरपी देख सकते हैं और इसकी जो पैकिंग डेट है वो सितंबर 2019 की है। तो दोस्तों ये जो उषा कंपनी है ये श्री राम कंपनी की है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है उषा कंपनी। तो ये श्री राम जो है इसके आप पिस्टन भी देखते हैं, इसके जो पिस्टन भी आते हैं उषा कंपनी के, और ये सिलेंडर किट भी आती है, इसके पिस्टन भी आते हैं। तो अब करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये उषा लिखा हुआ। तो अब हम देखिए आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत इसकी हैवी पैकिंग बनाई गई है। भाई मुझे हीरो से काफ़ी एडवांस पैकिंग इसकी लगी, और जो इसका रिजल्ट है वो तो आपको पता ही है इसका रिजल्ट कैसा है, आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरती से ये पैकिंग की गई है, ये कुछ इस प्रकार से होती है। और चलिए हम इसको तो रखते हैं साइड में। और ये हो गई इसकी ब्लॉक किट। वाओ क्या भी दोस्तों सफाई है इसके अंदर। और अब निकालते हैं भाई इसको, तो इसकी भी कितनी ज़बरदस्त पैकिंग दी गई है। तो चलिए हम इसको नीचे से ही निकाल लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं उषा हीरो सीडी 100 आरडी स्टैंडर्ड, यानी कि ये स्टैंडर्ड नंबर की आती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर वन पिस्टन वन पिन दो सर्क्लिप्स, यानी कि दो इसमें लॉक होते हैं और फाइव रिंग होते हैं। तो यहां पर ये आप इसकी उषा कंपनी की पिस्टन असेंबली देख सकते हैं। तो जो इसका लाइसेंस है वो आप देख सकते हैं, ये जापान की तरफ से इसको लाइसेंस भी दिया गया है। और चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, तो आपको तो इसका रिजल्ट पता है कि क्या भी इसका रिजल्ट है। चलिए पहले हम इसको साइड में रखते हैं, इससे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो भाई ये इसके ऊपर एक कवर है, आप इसे पानी पूनी पी सकते हैं अगर आपको प्यास लगे। भाई मजाक तो थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं, क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी थोड़ा बहुत मजाक किया जाए। तो क्योंकि मजाक करने से दोस्तों क्या होता है, हमारा जो दिल होता है वो हल्का हो जाता है, और अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर तो दस्ते तो हमारे ऊपर तो आपको पता है कि कितनी तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। तो भाई अगर हम टेंशन लेने लग गए तो भाई पता नहीं क्या होगा। तो टेंशन नहीं लेनी, खुश रहिए दोस्तों। तो अब जो है हम इसको पॉलोथीन से बाहर निकाल लेते हैं और इस कप को भी हम साइड में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये मार्क दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये श्री राम की बैजिंग दी गई है, और यहाँ पर 15099 की जो इन पर यहाँ पर एक कोड दिया गया है, तो ये इसका एक कोड है। तो सिर्फ इसके यहाँ पर ही दोस्तों आप ये बैजिंग देख सकते हैं श्री राम की 15099 की, और यहाँ पर इसका ये छोटा सा लोगो है। तो बाकी जो सिलेंडर किट है ये ब्लॉक किट है, इसके ऊपर कहीं भी आपको ये बैजिंग देखने को नहीं मिलती, जैसे हीरो की यहाँ पर लिखा हुआ होता है जीबीसी, तो ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। चलिए वो तो कंपनी की सोच है, यहाँ पर नहीं दिया उन्होंने। तो आप देख सकते हैं, मैं अब आपको इसके अंदर का ये बोर दिखा देता हूँ। तो आप देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है ये जो बोर होता है ये, भाई आप इसके अंदर ये क्रॉसिंग बोर देख सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग बोर की ही लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और हम जो है दोस्तों ज़्यादातर अपनी बाइक में क्रॉसिंग बोर ही करते हैं, और हमें ये खराद वालों से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने इसके अंदर स्टेट बोर करना है, यानी कि लैपिंग करना है, या फिर क्रॉस बोर करना है, क्योंकि उनको पता है कि क्रॉस ही बोर का रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। तो ये हो गई हमारी ब्लॉक किट।
अब हम इसकी ओपनिंग कर लेते हैं। तो भाई कप तो बड़ा प्यारा है, इसको आप ओपन करेंगे और इस कप को आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, यहाँ से वो पानी पानी इसे पी सकते हैं। चलो इसकी डिज़ाइनिंग तो बड़ी क्वालिटी ज़बरदस्त है, जो इसकी डिज़ाइनिंग है, शेप है, बड़ा अच्छा है। तो चलिए पहले मैं इसको भी ओपन कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और दिखा दूँ, आप जो है यहाँ पर ये आरी का निशान देख सकते हैं, तो आपने यहाँ से इसको कट करना है, क्योंकि ये इसका एरो का निशान तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सीधा है, तो आपने इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक छोटा आरी का ब्लेड है, मैं से इसको कट कर लेता हूँ। तो भाई हमने जो है इसको यहाँ से ओपन कर लिया है, और ये कप आप ले जाना घर या अपने शॉप पे इसको रख लेना, ताकि इससे ये लगे यहाँ ये अच्छी क्वालिटी का है। और हमने जो है इस ब्लॉक किट को किसी कस्टमर पे भी डाला है। तो चलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई ये इसके रिंग्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये CD100 RD स्टैंडर्ड जी और 9/8/2019, ये 2019 की पैकिंग है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये पैकिंग पे दिखाया है, September 2019। इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पर ये इसके दो लॉक हैं, आप लॉक देख सकते हैं, और ये इसकी पिस्टन पिन है, जिसको आप गजन पिन भी बोलते हैं। और भाई ये है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हम पिस्टन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका ही नाम आता है सबसे पहले, पिस्टन रिंग्स। तो भाई आप ये इसके ऊपर भी बैजिंग देख सकते हैं, यहाँ पर ये श्रीराम की बैजिंग है। तो भाई ये है इसका पिस्टन, तो यहाँ पर ये आप इनलेट देख सकते हैं, शॉर्टकट में इसको इन, और यहाँ पर एक्स लिखा होता है, जिसको हम एग्जॉस्ट बोलते हैं, और बीच में ये स्टैंडर्ड। तो भाई इसकी आप सफाई देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं HF, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये उषा कंपनी का आप इस पर ये लोगो देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक मजे की और बात बता दूँ, भाई हंसिएगा मत, जो उषा है वो मेरी मिसेज का नाम भी है, तो इसलिए दोस्तों मैं इस उषा को बहुत ही लाइक करता हूँ। तो मैं दोस्तों वैसे आपको बता रहा हूँ, उषा जो है मेरी मिसेज का नाम है, और ये उषा कंपनी के ज़्यादातर मैं इनमें पिस्टन वाल का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो आई होप आपको ये नाम अच्छा लगा होगा। तो चलिए ये तो थोड़ा आपको एक फैमिली मैटर को रखते हैं साइड में। चलो भाई अब ये हो गई इसकी किट, तो चलिए पहले हम इसको ओपन करते हैं इसके लॉक को। तो भाई देखिए इसके ऊपर जो है यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप जो है इसे अंदर ये रिंग डाल सकते हैं। चलो इसका तो आपको जरूरत है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, सबका देखिए डालने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊँगा कि आप जो है इसके अंदर कैसे ये रिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर ये पिस्टन के अंदर ये पिन डाल लेते हैं। दोस्तों हम ज़्यादातर जो है इसके अंदर इसकी राइट साइड से पिन डालते हैं, क्योंकि देखिए जब हम इसके ब्लॉक किट को और हेड को ओपन करते हैं, तो हमें जो है दोस्तों इसकी लेफ्ट साइड में ही बैठना पड़ता है, तो इसलिए हम दोस्तों इसको ऐसे ही बाहर निकालते हैं और ऐसे ही इसको फिट करते हैं। तो हमने पहले इसके लॉक को ऐसे ही लगा लेना है। इस लॉक को आपने ना यहाँ पर पहले एक साइड में इसको ऐसे लगा लेना है, देखिए ये यहाँ पर लग गया, और उसके बाद आपने जो है इसको ऐसे पुश कर देना है, बस ये इसका लॉक लग गया। और ये जो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत बाहर आता है तो इसको आपने ऐसे पीछे से कर देना है, थोड़ा इसको पीछे कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है यहीं से हिले डुलेगा नहीं, और ना ही ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और कुछ बंदे देखिए इसको यहाँ भी घुमा देते हैं, तब भी दोस्तों कोई फर्क नहीं, वैसे तो लॉक के 99.99 ऐसे चांसेस होते हैं जो कभी नहीं निकलता, वैसे मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है या मैंने कभी सुनने में आया हो कि लॉक खुल गया हो। तो अब हम इसके अंदर ये पिन डाल लेते हैं। दोस्तों जब भी आप एक बात को हमेशा नोट करिएगा, जब भी आप इसके अंदर ये पिन डालते हो तो आपने यहाँ पर ऐसे चोट नहीं मारनी, जब इसको आप फिट करते हैं तो जैसे ही
मैग्नेटिक रोड का जो होल होता है आगे वाला, तो जैसे ये इसके सिर में आ गया तो आपने इसको सिर्फ ऐसे ही अंगूठे से इसको अंदर पुश करना है, तो वो अपने आप अंदर चला जाएगा। कुछ भाई यहाँ पर ऐसे इसको ठकराते रहते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही वो इसके सामने आ जाएगा और ये अंदर इसके चली जाएगी। तो अब हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि ये पिस्टन कितना टाइट है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके पिस्टन का कितना टाइट है, कितना लूज होना, ये हमें बहुत इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम कोई भी पिस्टन होता है उसको ऐसे चेक करते हैं। तो अब ये रुक गया, तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका बोर भी सही है, और या आप जैसे कि ब्लॉकेट नहीं डालती हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। तो अब देखिए, अभी इसके अंदर कोई भी मैंने लुब्रिकेट नहीं किया, जैसा भी है कंपनी का है। तो ये जो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितना टाइट पोजिशन में यहाँ से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ से ये हिल भी नहीं रहा। तो इसका रिजल्ट दोस्तों बेस्ट मिलता है, यही इसकी असली पहचान होती है। तो अब हम इसके अंदर ये रिंग डालते हैं। हम किस प्रकार से इसके अंदर रिंग डालते हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब तो देखिए दोस्तों, हमें इन रिंग को यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसके अंदर बोर कराते हैं तो हमें ये रिंग चेक करने चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसके अंदर ये रिंग डाल लेते हैं। तो ये हमारा इन भाग हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, हीरो कंपनी कैसे इसके अंदर ये रिंग डालती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो इसका ये रिंग होता है जिसको हम एक्सपेंडर रिंग बोलते हैं, आपने याद रखना है इसका नाम होता है एक्सपेंडर। तो हमने क्या करना है, इसको देखिए कहाँ पर डालना है। ये चार होल आप देख सकते हैं और इनके बीच में आपको ये पांचवा होल देखने को मिलता है। ये बिल्कुल, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में आता है। तो हमने इसको एम शेप में यहाँ पर बिठा देना है बड़े प्यार से। तो अब देखिए, तो आपने जो है इसको बड़े प्यार से ऐसे बिठा देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एम शेप हमने इसको बना दिया। इसके बाद जो इसके ऑयल रिंग होते हैं इनको आपने कैसे लगाना है, देखिए जैसे हीरो कंपनी इनको, तो अब देखिए जैसे हीरो कंपनी इनका इस्तेमाल करती है, तो आपने इसको ऐसे चेक करना है। पहले तो देखिए ऐसे ये उड़ रहा है। तो यही दोस्तों इसके एक उल्टे सीधे की पहचान होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये भी बताया था कि एक दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रिंग होते हैं ये ऑयल रिंग, इनको कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये किस साइड से उल्टा है और किस साइड से दोस्तों सीधा है। तो इससे ये पता लग जाता है कि ये इस साइड से दोस्तों बिल्कुल सीधा है। तो ये कुछ टेपर टाइप होते हैं, तो आपको ये अगर देखने में दिख जाते हैं या महसूस होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते हैं तो आप इसको ऐसे चेक कर लेना। तो देखिए ये दोस्तों इस साइड में घूम रहा है। तो हमने जो है इसको यहाँ पर ऐसे लगाना है। तो जो पहला इसका अंदर वाला होल है, आपने इसको बिल्कुल थोड़ा इसकी साइड में इसको लगा देना है। आप चाहे तो होल के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको बड़े प्यार से आपने इसको ऐसे लगा देना है। देखिए ये एम शेप हो गई बिल्कुल सेंटर में, और ये यहाँ पर हो गया। और अब हम इसको दूसरे वाले को लगाते हैं। तो देखिए पहले वाला हमने ऐसे लगाया, और दूसरा वाला ये जो है इसको जो है हमने ऐसे लगाना है। तो ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं, तो ये अंदर मुड़ रहा है। तो इसको जो है हमने, देखिए ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लगा देना है, ये दूसरे वाला जो इसका होल है इसके बिल्कुल पास। तो ये यहाँ पर हो गया, देखिए आप देख सकते हैं। और ये जो दोस्तों हमेशा रिंग आप डालेंगे, जैसे कि मैं डालता हूँ, आपने इनको जो है ऑयल रिंग को हमेशा इनलेट वाले ऊपरले वाले भाग में ही इनको लगाना है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो मैं आपको 100% दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपकी बाइक कभी धुआं नहीं देगी। ये मेरी गारंटी है आपको। और इसका भी एक रीज़न होता है कि क्यों कंपनी जो रिंग होते हैं इनका मुंह ओपन ही क्यों करती है ऑयल रिंग का इन वाली साइड में। तो इसका दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये दोस्तों एम यहाँ पर हो गया, एक इस होल के पास और एक इस होल के पास। आप थोड़ा इधर इसको कर सकते हैं या बिल्कुल इसके होल के ऊपर। तो अब करते हैं इसके एग्जॉस्ट वाली साइड में। तो अब ये दोस्तों इसका देखिए टॉप टू रिंग है जिस पर लिखा है ओशा कंपनी। तो आप देख सकते हैं ये इसका टॉप टू रिंग है, और यहाँ पर ये इसका उषा का बैजिंग है। तो इसको जो है आपने ऊपर रखना है, जो इसके ऊपर ये लिखा होता है टॉप वन टॉप टू। तो यहाँ पर जो इसका
होल है, आपने इसको यहाँ पर इसको लगा देना है। इसको भी दोस्तों बड़े प्यार से आपने लगाना है यहाँ पर, देखिए ऐसे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने। तो ये होगा इसके पास, और ये इसका मेन रिंग होता है जो इसका स्टील रिंग है, और ये रिंग जो होते हैं कंप्रेशन, जिसको हम कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, तो आपने याद रखना है। नीचे वाले ऑयल रिंग जाली को हम एक्सपेंडर बोलते हैं, और इनको कंप्रेशन। तो ये हो गया इधर वाली साइड में, ठीक है। तो आपने दोस्तों इनको बड़े प्यार से ही लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, और आपने इनको साफ़ सुथरे हाथों से ये लगाना है, ना कि दोस्तों कोई, देखिए जो हमारे तेल थोड़ा, जो हमारे हाथ जो हैं थोड़े गंदे होते हैं, आपने ऐसे इनको नहीं लगाना। तो अब देखिए यहाँ पर जो होल है, इसके सीध में ये आ गया, और इसके सीध में ये आ गया, और जो ऊपर है एक्सपेंडर बीच में, और एक होल के पास ये रिंग, और दूसरे वाले के पास ये। तो ऐसे हम दोस्तों इसके अंदर ये रिंग फिट करते हैं। अब जो है हम इस पर ये थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। दोस्तों जब आप लुब्रिकेट करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो इसका है इसके अंदर आपने ऐसे उंगली से इसके अंदर ऑयल ये लगा लेना है, और इसके अंदर हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल ही लगाएं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आप जो है इनको थोड़ा ऑयल से ऐसे लगा लें, दोस्तों याद रखिए आपने जो है इनको ऐसे घुमाना नहीं है, याद रखिए। तो आपने क्या करना है सिंपली से, अगर आप घुमाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर थोड़े बहुत रिंग घूम जाते हैं तो उनको दोबारा सेट कर लेना। तो आपने क्या करना है, इन रिंगों को सिर्फ ऐसे दबा देना है, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो इनके ऊपर ऑयल लगा है ये अपने आप ही दोस्तों इनकी सीट पर बैठ जाएगा, जहाँ पर ये कट लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिंग तो हमारे नहीं घूमे हैं, ये बिल्कुल ओके हैं, और ये थोड़ा बहुत घूमा है, इसको हम सेट कर लेंगे। तो इनको आपने ऐसे लगा देना है, ये देखिए इन वाला भाग, और इसको जो है आपने बड़े प्यार से, लोग हमने इसकी राइट साइड में लगाया है आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो है लेफ़्ट साइड में बैठ के काम करना है। तो आपने इसके अंदर ये ऐसे बड़े प्यार से डाल देना है, आपने जो है एक साफ़ कपड़े का ही इस्तेमाल करना है जब आप इंजन की फिटिंग करते हैं। आप यहाँ पर पिन पेचकस भी ले सकते हैं, या आप कुछ ऐसी नुकीली जो, ताकि इसकी दिक्कत ना हो इसमें अंदर ये रिंगों को डालते वक्त। तो आपने जो है इनको सिर्फ अंदर की थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है ऐसे, रिसेट भाई देखा है। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर ये पिस्टन डाल दिया कितने अच्छे तरीके से। तो इसको जो है आपने चार पांच बार ऐसे अप डाउन कर देना है, ताकि जो ये हो घूमे ना, ठीक है। चलिए अब ये हमने इसके अंदर डाल दिया, अब जो है हमने इसके अंदर ये ब्लॉक किट को फिट कर देना है इंजन के अंदर। दोस्तों ये जो है मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो है जो दोस्तों मैंने आज आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ विद रिंग फिट करके आपको इसके साथ ये बताया है। क्यों दोस्तों, आपको ज़्यादातर सिर्फ इनके अनबॉक्सिंग को करके ही बताया जाता है, ना कि दोस्तों उनके अंदर ये रिंग फिट करके। तो मैंने आज आपको अनबॉक्सिंग विद फिटिंग के साथ इसको बताया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना, हम इसी तरह से आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो मैं आपको इसकी एक बार ये लिस्ट दिखा देता हूँ, जो इसकी लिस्ट है ये 1629 रुपये है, और आपको इस पर अच्छी लेस भी मिलेगी, ये तो सिर्फ इसकी ये लिस्ट है। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।